दिग्विजय सिंह हमेशा से अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। अभी हाल ही में मोदी योगी का एक फोटो खूब चर्चाओं में रहा, जिस पर दिग्विजय सिंह ने बेबाक राय दी। दिग्विजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की बढ़ती लोकप्रियता की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कहकर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव को एक नई दिशा दी है। देखिए, वो कंधे पे हाथ रखे या गले में हाथ रखे या उनके कमर में हाथ डाले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता की भलाई होनी चाहिए, जनता की भलाई नहीं हुई है। पूरे तरीके से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, गुंडागिर्दी बड़ी है और निहत्ते निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, इसलिए जनता में नाराज़ी है। और पूरे तरीके से मोदी जी ने और योगी जी ने जिस तरह से शासन चलाया है उत्तर प्रदेश में, हमें पूरा विश्वास है कि जनता उन्हें फिर से नहीं चुनेगी। और जिस प्रकार से प्रियंका जी ने वहाँ महिलाओं का एक की दिशा दी है और उनका ये कहना कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आज ये है हालात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई मीडिया में कवरेज किसी को मिल रहा है तो प्रियंका गांधी जी को मिल रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी संकट आया है सबसे पहले वो पहुंची है। लखीमपुर खेरी में अखिलेश यादव जी सोते रहे लेकिन प्रियंका जी लखीमपुर खेरी पहुंच गए। ये सब अपने आप में दर्शाता है कि जिस मेहनत का परिचय प्रियंका जी दे रही हैं, वे बधाई के पात्र हैं। दिग्विजय सिंह के बयान से साफ जाहिर है कि प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश में दस्तक न केवल कांग्रेस का जनाधार बढ़ा रही है बल्कि कांग्रेस के नेताओं को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर रही है। दिग्विजय सिंह ने एक तरफ मोदी योगी के फोटो पर बयान देकर बीजेपी की उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बढ़ती चिंता को उजागर किया, तो वहीं मीडिया में प्रियंका को मिल रही कवरेज का जिक्र कर बता दिया कि उत्तर प्रदेश में चुनावी हवा का रुख बदल रहा है। डीबी लाइव के लिए गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।